अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के टॉपिक को स्टार्ट किया था। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का टॉपिक पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर तो मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर ये टॉपिक मौजूद नहीं है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला फेज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का दूसरा फेज सिस्टम एनालिसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस में एनालिसिस के मायने हैं रिक्वायरमेंट्स, यानी वो जरूरियात जिनके लिए हम अपने सिस्टम को डेवलप करेंगे। दोस्तों, सिस्टम एनालिसिस में हम मौजूदा सिस्टम के काम करने के तरीके को समझते हैं। पहले हमने देखा था कि पहले पिछले फेज प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हमने ये सोचा था कि सिस्टम में आने वाली प्रॉब्लम को किन सॉल्यूशंस के जरिए सॉल्व करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि उस सॉल्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए किन किन इकदामात की जरूरत होगी या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होगी। दोस्तों, हमने एक फ्री कलेक्शन यूनिट को प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर एज एन एग्जाम्पल समझा था। आइए उसको आगे प्रोसीड करते हैं। हमने देखा था कि एक फी कलेक्शन यूनिट है जिसके अंदर मैनुअली फीस ली जा रही थी। अब हम चाहते हैं कि उस पूरे सिस्टम को कंप्यूटराइज कर दें, तो वो तमाम लोग जो उस नए बनने वाले सिस्टम को डेवलप करेंगे वो तो नहीं पता कि पहले किस तरीके से फीस ली जा रही थी। तो सबसे पहले उस सिस्टम की वर्किंग को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब स्टूडेंट फी पे करता है तो वो क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है और फी कलेक्टर वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म करता है, कहाँ कहाँ एंट्रीज करता है और इसके अलावा क्या क्या काम करता है और उन कामों को किस तरीके से किया जाता है, इन तमाम चीजों को समझना पड़ेगा। दोस्तों, इस पूरे सिस्टम को समझने के बाद ही इस सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा सकता है। तो दोस्तों, किसी भी सिस्टम की वर्किंग को समझने के लिए तीन स्टेप्स पर से गुजरना होता है, जिनमें सबसे पहले है नीड एनालिसिस, डेटा गैदरिंग और डेटा एनालिसिस। दोस्तों, आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। नीड एनालिसिस, इसको रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कहा जाता है कि इसमें सिस्टम एनालिस्ट यूजर और मैनेजर की रिक्वायरमेंट्स यानी जरूरियात का तयन करते हुए एक समरी बनाता है, यानी जो जो काम आपका सिस्टम करेगा उसकी तफसीलात फराहम करते हैं। सिस्टम एनालिस्ट वो बंदा होता है जो सिस्टम को एनालाइज करता है, ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद मैनेजमेंट और यूजर जो उस नए बनने वाले सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे उनसे रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करता है। नीड एनालिसिस में जो सिस्टम हम डेवलप करेंगे उसकी बाउंड्रीज को भी सेट करेंगे, यानी उन चीजों को तो आप लिस्ट डाउन करेंगे जो आपका सिस्टम करेगा, के साथ साथ उन तमाम चीजों को भी डिफाइन करेंगे जो आपका सिस्टम नहीं करेगा। और दोस्तों, फिफ्थ स्टेप टेस्टिंग इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के बलबूते पर किया जाता है। के बाद है डेटा गैदरिंग। दोस्तों, इस फेज के अंदर सिस्टम की वर्किंग को समझने के लिए, सिस्टम के काम करने के तरीके को समझने के लिए डेटा को इकट्ठा किया जाता है। सिस्टम एनालिस्ट हालात और वाकयात और टाइम के हिसाब से अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स के जरिए डेटा को गैदर करता है, जिनमें रिटन डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यूज, क्वेश्चनर्स, ऑब्जर्वेशन और सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हुए डेटा को इकट्ठा किया जाता है। ये इसको बारी बारी देखते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट, सिस्टम एनालिस्ट करंट सिस्टम की वर्किंग को समझने के लिए वो रिटन डॉक्यूमेंट या फिर मैनुअल को स्टडी करेगा, कहीं प्रोसीजर लिखा होगा फी कलेक्शन का या कोई गाइडलाइन होगी वो स्टडी करके डेटा को इकट्ठा कर सकता है। के बाद है इंटरव्यूज, ये निहायत ही मुफीद तरीकेकार है। एक फेस टू फेस मीटिंग होती है तो इंटरव्यू का नाम दिया जाता है, जिसमें सिस्टम एनालिस्ट मैनेजर, यूजर, क्लाइंट और कॉम्पिटिटर्स से मुख्तलिफ सवालात के जरिए इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। दोस्तों, सिस्टम एनालिस्ट कॉम्पिटिटर्स से भी इंटरव्यू करता है, कि वो लोग होते हैं जिनके पास आप जैसा न्यू सिस्टम मौजूद होता है, इनसे इंटरव्यू करके आपको सिस्टम के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स का पता चलता है। दोस्तों, वो तमाम चीजें जो आपके नए बनने वाले सिस्टम में मौजूद नहीं होंगी आप उनको कॉम्पिटिटर्स से अडॉप्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान अगर आपको किसी रिक्वायरमेंट में कंफ्यूजन है तो आप उसको दोबारा भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान यह मुख्तसर होता है, इसलिए सिस्टम एनालिस्ट को अपने सवालात को प्रिसाइज
यानी सिस्टम की वर्किंग के एन मुताबिक ही सवाल आपको पूछना चाहिए। के बाद है क्वेश्चनर्स। दोस्तों इंटरव्यू एक टाइम टेकन का टास्क है, इसके लिए बहुत सा वक्त दरकार होता है, तो इंटरव्यू ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद कुछ लोगों से तो लिया जा सकता है, लेकिन अगर आपको बहुत से लोगों से एक साथ डेटा को इकट्ठा करना है तो ये टेक्निक बहुत ही कारगर हो सकती है। इसमें एक सवालनामा तैयार किया जाता है जो सिस्टम से मुतालिक बहुत से सवालात पर मुश्तमिल होता है, जिसको बहुत सारे यूजर्स में तकसीम कर दिया जाता है, तो यूजर्स उसको फिल करके सबमिट कर देते हैं और इस तरीके से बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट्स को एक वक्त में इकट्ठा कर लिया जाता है। दोस्तों ये टेक्निक सस्ती होने के साथ साथ कम वक्त में की जाने वाली टेक्निक है। के बाद है ऑब्जर्वेशन। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, ना ही कोई इंटरव्यू या फिर क्वेश्चनर तश्कील किया जाता है और ना ही कोई डॉक्यूमेंट स्टडी किया जाता है, बल्कि जब एनालिस्ट इदारे के मुख्तलिफ ग्रुपों को काम करता देखकर डेटा को इकट्ठा करता है, इस तरीके से सिस्टम एनालिस्ट मौजूदा सिस्टम की वर्किंग को प्रैक्टिकली देख सकता है और इदारे के लोगों की जरूरियात को बखूबी जायजा ले सकता है। के बाद है लास्ट टेक्निक सैंपलिंग। ये तरीकेकार तब करामत है जब आप वक्त की कमी की वजह से इदारे के तमाम लोगों का इंटरव्यू नहीं ले सकते, तो आप सैंपलिंग करते हैं, सिर्फ यानी सिर्फ इदारे के चंद अहम लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है, तो तमाम इदारे के लोगों की रिक्वायरमेंट्स की उनकी जरूरियात की नुमाइंदगी करते हैं और आपको मालूमात फराहम करते हैं। दोस्तों ये तमाम तरीकेकार थे जिनके जरिए नए बनने वाले सिस्टम के लिए डेटा को इकट्ठा किया जाता है। के बाद है सिस्टम एनालिसिस का तीसरा स्टेप, डेटा एनालिसिस। दोस्तों इस स्टेप में जो डेटा आपने कलेक्ट किया होता है, डेटा गैदरिंग के स्टेप में उसको एनालाइज किया जाता है, यानी वो रिक्वायरमेंट्स और डेटा जिसकी सिस्टम को जरूरत होती है उसको रखा जाता है और बाकी तमाम डेटा को निकाल दिया जाता है। एनालिस्ट इस बात को यकीनी बनाता है कि जो डेटा इकट्ठा किया गया है वो ना सिर्फ दुरुस्त हो बल्कि मुकम्मल भी हो, यानी बाद में सिस्टम को डिजाइन करते हुए आपको दोबारा रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए एनालिसिस फेज के अंदर जंप ना करना पड़े। तो दोस्तों जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको कहीं ना कहीं डायग्राम्स और टेबल्स के जरिए लिखा जाता है, इसके लिए डेटा फ्लो डायग्राम, कनेक्टिविटी डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, डिसीजन टेबल्स और ग्रिड चार्ट का सहारा लिया जाता है। दोस्तों ये सब काम करके हो क्या रहा है, वी आर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम, यानी हम ये समझ रहे हैं कि एक सिस्टम किस तरीके से काम करता है। के बाद जो सिस्टम एनालिसिस का थर्ड फेज है वो है एनालिसिस रिपोर्ट। दोस्तों इतने एनालिसिस करने का फायदा क्या हुआ, हमें समझ आ जाएगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, क्योंकि रिजल्ट होगा एक रिपोर्ट SRS की शक्ल में। SRS मींस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इस डॉक्यूमेंट के जरिए रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई किया जाता है, उनकी वजाहत की जाती है। इस डॉक्यूमेंट्स को फिर हायर मैनेजमेंट को सबमिट कर दिया जाता है और जब हायर मैनेजमेंट इसको मंजूर कर देती है, अप्रूव कर देती है, तो नेक्स्ट स्टेप पर इस पर काम किया जाता है। दोस्तों ये रिपोर्ट तीन स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है, तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। करंट सिस्टम काम कैसे कर रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम पेश आ रही हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए जो नया सिस्टम बनाया जाएगा उसमें क्या क्या चीजें मौजूद होंगी। दोस्तों इसके अलावा एनालिसिस रिपोर्ट के जरिए एक फॉर्मल एग्रीमेंट भी किया जाता है। दोस्तों फॉर्मल एग्रीमेंट इस तरीके से कि अगर सिस्टम डिलीवर होने के बाद कस्टमर कहे कि भाई हमने तो इस तरीके का सिस्टम बनाने को कहा ही नहीं था, हमें तो ये तमाम चीजें चाहिए ही नहीं थी, तो ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट मौजूद होगा जो ये बताएगा कि सिस्टम में क्या क्या चीजें मौजूद होंगी और क्या क्या नहीं, और इन्हीं के बुनियाद पर कोई भी सिस्टम डेवलप किया जाएगा। दोस्तों ये था सिस्टम एनालिसिस और उसके तमाम स्टेप। अगले लेक्चर में हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का तीसरा फेज, डिजाइन और कोडिंग को डिटेल में पढ़ेंगे।